Morning kids, welcome to the first lesson of 12th commerce, which is introduction to micro and macroeconomics. कल हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज और एग्रीगेट, जिसे जो भी हम बोल सकते हैं. आइए आज देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम माइक्रो के बारे में ही पूरा जान लेते हैं कि एग्जैक्टली वॉट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो लेट्स हैव लुक टुवर्ड माय बोर्ड. ओके, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज, विच आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट वन इज थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. ओके, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इट इज थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. ओके, विल डिस्कस इट ओनली. थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मीन्स व्हाट? द थियोरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्कोप है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही नैरो है, बहुत ही लिमिटेड है. उसके अंदर हमारे तीन थियोरीज हैं, जिसमें पहली थियोरी आ जाती है बच्चों हमारी थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. एक ऐसी थियोरी जिसके अंदर हम किसी एक चीज़ की, एक प्रोडक्ट की प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं या उसकी प्राइसेस हम अज्यूम करते हैं, लगाते हैं. आइए देखते हैं कि थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्चुअल में क्या होती है. थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग जो होती है हमारी, वो होती है हमारी डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस. नो व्हाट हैपेंड गाइस, कि फॉर एग्जांपल आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ मार्कर इन माय कंपनी, इन माय वी कैन से इन माय फैक्ट्री. और इस मार्कर की मार्केट में कितनी डिमांड है ना, मार्केट में कितनी डिमांड है, उस डिमांड को देखते हुए मैं मार्केट में सप्लाई छोड़ूंगी. जैसे कि मैंने ये 1000 मार्कर्स बनाए हैं और मार्केट में 900 इसकी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड है, तो क्या हो जाएगा? मैंने 1000 मार्कर्स बनाए हैं, 900 इसकी डिमांड है, तो मेरे 1000 मार्केट मेरे पास में ये रहेगा और इतनी डिमांड है. मेरे पास सप्लाई करने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं, डिमांड उसकी उसके कंपेयर में कम है. अब क्या होगा, इन चीज़ों को देखते हुए, डिमांड और सप्लाई, मैं मेरी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइजेस डिसाइड करूंगी. मैं मेरे इस पर्टिकुलर मार्कर की प्राइस डिसाइड करूंगी. आइए देखते हैं कैसे. जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर अगर मैं 1000 मार्केट मैन्युफैक्चर करती हूँ, 1000 मार्कर पेन्स मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, है ना, आई एम मैन्युफैक्चरिंग 1000 मार्कर पेन्स इन माय फैक्ट्री. सो उसकी डिमांड भी कितनी होनी चाहिए बच्चों? उसकी डिमांड भी होनी चाहिए 1000. जितने मैंने मैन्युफैक्चर किए उतनी ही उसकी डिमांड होनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स उसका सप्लाई भी उतना ही रहेगा. जब हमने जितनी चीज़ें बनाई है उतना ही उसका मार्केट में सप्लाई होगा, तो हम उस चीज़ की जो भी प्राइजेस डिसाइड करेंगे, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये, 1000 रुपये, जो भी. दिस इज थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग. नाउ दिस इज द वेरी, वी कैन से, इसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्राइजेस फॉर द प्रोडक्ट. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्राइजेस फॉर द प्रोडक्ट. हमारा ये जो थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है बच्चों, ये हमें किस चीज़ में मदद करता है? किसी भी चीज़ की प्राइस को खोजने में, जानने में या उसका अंदाज़ा लगाने में हमारी मदद करता है हमारा ये थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. कि कौन सा चीज़, जैसे कि ये मार्कर है, मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है और ये कितने में बिकना चाहिए. अगर ये मार्केट, फॉर एग्जाम्पल द सेम मार्कर आई एम सेलिंग इन मार्केट फॉर 1000 रुपीज, नो वन विल बाय द सेम. वाई? क्योंकि मार्कर इतना छोटा सा है और अगर मैं इसको 1000 रुपये में मार्केट में बेचूंगी तो कोई भी नहीं खरीदेगा. बट इंस्टेड ऑफ 1000, इफ आई डिडक्ट द अमाउंट बाय 50 और 100,
इसी मार्कर की प्राइस अगर मैं 100 रुपए रखती हूँ 50 रुपए रखती हूँ तो एवरी वन विल कम एंड बाय द सेम. दिस इज प्राइस डिटरमाइनिंग ऑफ प्राइजेस. और यही चीज हमें कौन सिखाता है, हमारा थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. मूव टूअर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज थियोरी ऑफ, ओके लेट मी रब इट. सो दिस इज द फर्स्ट थियोरी ऑफ योर प्रोडक्ट प्राइसिंग. ओके मूव टूअर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज थियोरी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ वॉट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? रिमेंबर वन थिंग गाइज, ऑलवेज फैक्टर्स मीन्स वॉट द थिंग्स विच आर यूजफुल और वी कैन से हेल्पिंग. The things which are useful or which are helping the particular product in manufacturing process. Factors क्या होते हैं बच्चों? Factors एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी एक product को बनते वक्त मदद करते हैं या उस time पे काम में आते हैं या उसको help करते हैं या उसकी मदद करते हैं. These factors are known as or called as factors of production. Such as, let's take the example of factors of production. Land, labor, excuse me, rent, wages, interest, and profit. Instead of rent, you can write land also, and instead of wages you'll write labor also. Now let's have a look what is theory of factors of production. As I told you that the factors of production are which factor, those who are helping or becoming useful in the process of manufacturing some product, commodity, goods and services. So land, wages, interest and profit, these all things. Interest we can write over here, capital. Okay, so these four factors or combination of these four factors are very essential to manufacture a particular product. ये जो theory of factors of production क्या होती है बच्चों, कि किसी भी एक चीज को manufacture करने के लिए, as I gave you the example of marker pen, इस marker pen को बनाने के लिए क्या क्या लगा रहेगा? एक जमीन लगी रहेगी जिसपे हमारा फैक्ट्री खड़ा हुआ है, उसमें काम करने के लिए लेबर यानी मजदूर रहेंगे, प्लस उन मजदूरों को या उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हमें एक कैपिटल चाहिए था, भांडवल चाहिए था. वो कैपिटल जो था, उस कैपिटल से क्या किया हमने, वो पैसों को यूज किया, इस पर्टिकुलर चीज को मैन्युफैक्चर किया और आफ्टर सेलिंग द सेम मार्कर पेंस विल गेट प्रॉफिट. गॉट इट डियर? दिस इज थियरी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कि प्रोडक्शन के वक्त किन किन चीजों ने हमारी मदद की है, तो हमारी मदद कौन से लोग करते हैं? एक पर्टिकुलर चीज को, इस छोटू से मार्कर पेन को बनाने के लिए मेरी मदद की है मेरी लैंड ने, मेरे लेबर्स ने, बट ऑफ कोर्स लैंड अगर रेंट पे तो मुझे उसका रेंट चढ़ाना पड़ेगा, लेबर्स जो है उनको वेजेस देनी पड़ेगी, और कैपिटल जो भी उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट, जो भी लोन मैंने लिया है उसके ऊपर आई हैव टू पे इंटरेस्ट एंड ऑल. एंड द लास्ट वन इज, इन तीनों चीजों की वजह से मुझे एंड में प्रॉफिट मिलेगा. So this is theory of factor of production. And the last point is theory of economic welfare. Theory of economic welfare. Now, as I told you that the scope of microeconomics is a very narrow concept. So the first point of scope of microeconomics is theory of product pricing, as it helps in determining the prices for the product. The next one is, it also includes or involves factors of production which are supporting or helping in manufacturing process. Now after we can say combining both the things, will shift or will move toward
थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. वेलफेयर मतलब क्या हो जाता है, एक बार ये हिंदी में भी आइए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल थिंग्स. इकोनॉमिक्स की जो हमारी स्कोप है बच्चों, वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी सी है, लिमिटेड है. अब उसमें था हमारा थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या, कि एक किसी एक सिंगल चीज की हम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, या कैसे उस पर्टिकुलर चीज की प्राइसेस हम डिसाइड करते हैं. तो हम किसी भी चीज की प्राइसेस डिसाइड करते हैं उसकी डिमांड और मार्केट में उसकी सप्लाई को देखते हुए, पर्टिकुलर जैसे कि ये मार्कर पेन है, इसकी हम लोग प्राइस डिसाइड करेंगे. अब पहला वाला जो हमारा पॉइंट है उसमें हमने यही करना है कि चीज़ों की प्राइसेस जाननी है या खोजनी है. अगले की तरफ मूव करते हैं, थियोरी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. थियोरीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने के लिए कौन सी चीज़ें या कौन सी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है. तो वो चीज़ें क्या क्या है, हमारी लैंड, लेबर, हमारे पास जो पैसे है वो, और बट ऑफकोर्स इन तीनों चीज़ों को कॉम्बो करके, कंबाइन करके मैंने एंड में एक चीज़ कमा लेनी है, वो है मेरा प्रॉफिट. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. वेलफेयर मतलब क्या, वेलफेयर मतलब किसी की भलाई, किसी का अच्छा, किसी की वी कैन से प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ब्ला 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 ब्ला. ओके, नाउ कंजम्पशन. कंजम्पशन या वी कैन से प्रोडक्शन टू इट. ओके, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, एबीसी कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 10,000 मार्कर पेन्स, है ना. एबीसी कंपनी लिमिटेड जो है, उन्होंने ऐसे मार्कर पेन्स 10,000 बनाए और मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, है ना, बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट के अंदर. सो व्हाट हैपेंड गाइस, एबीसी कंपनी लिमिटेड जो है उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा इन 10,000 मार्कर्स को मार्केट में सोल्ड आउट करने के बाद में. जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो हमारी एबीसी कंपनी थी, ये एबीसी कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट मिल गया, उसका वेलफेयर हो गया, इन शॉर्ट उसका हर चीज अच्छा हो गया. अनदर थिंग इज दैट, फॉर एग्जाम्पल, 100 वर्कर्स आर वर्किंग इन एबीसी लिमिटेड. 100 जो वर्कर्स थे वो हमारी एबीसी कंपनी में काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे. अब एबीसी के कंपनी के मालिक को प्रॉफिट हुआ है या उसकी तरक्की हुई है, तो बट नेचुरल ये सारे वर्कर्स को भी प्रॉफिट हुआ है या इनको भी, इनका भी वेलफेयर हुआ है. मीन्स व्हाट गाइस, कि कंजम्पशन या प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, किसी एक की भलाई अगर हो रही है कंपनी की, उसके साथ में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितनी भी उसकी चेन है, साइमल्टेनियसली सभी का भला होता है. और बट ऑफकोर्स हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है. वो क्या हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है. एक्सक्यूज मी, मूव टुवर्ड द सेकेंड पॉइंट विच इज यस गाइस, move toward the next point, that is features of microeconomics. So let's have a look toward the features of microeconomics. The first and very important feature of microeconomics is study individual units. Study individual units means for, as I told you that microeconomics is a small concept, is a narrow concept. In it, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, in it we have to do the study about individual firm, we can say office, organization, consumer, etc.
जो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है बच्चों, कि इसमें हम लोग किसी एक ही चीज़ के बारे में बहुत डेप्थ में स्टडी करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट या द फर्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स. मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वन विच वी ऑलरेडी विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, प्राइस थियोरी. As I told you, it helps in determining मतलब क्या, decide करना. As I told you that it helps in determining prices for goods and services. So this is the second and another important feature of microeconomics. It helps in determining prices of goods and services. ये हमें किस चीज में मदद करता है, चीजों की प्राइसेस जानने में हमारी मदद करता है. मूव टूवर्ड द थर्ड पॉइंट दैट इज पार्शियल पार्शियल इक्विलिब्रियम. पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है हमारा कि ये क्या बताता है हमें, इट शोज अस बैलेंस बिटवीन two factors. Now it shows us the balance between two factors such as we can say demand and supply, production and consumption. ये हमें क्या दिखाता है, partial equilibrium के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, कि ये हमें हमारा जो microeconomics है ये हमें हर वक्त एक दोनों के बीच का gap या balance बताता है कि हमारे पास जो दो फैक्टर्स है जैसे कि डिमांड और सप्लाई है, तो डिमांड क्यों बढ़ रही है, सप्लाई क्यों घट रही है, डिमांड क्यों घट रही है, उन दोनों चीजों के बीच का एक हमें बैलेंस बताता है, एक स्पॉट बताता है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्लाइसिंग मेथड. एज आई टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स या सो मेनी टाइम्स that microeconomics is a narrow concept, एक छोटी सी concept है हमारी microeconomics. इसलिए ये क्या करती है, हमारी पूरी जो economy है, overall economy है, उसको split करती है या divide करती है. It splits or divides the overall economy into parts. जैसे कि ये इतनी बड़ी economy है मेरी, तो ये उसको क्या करेगी, parts में क्या बोलेंगे, divide कर देगी और उसमें से सिर्फ एक ही part को choose करेगी और बाकी के parts से उसका लेना देना ही नहीं है. मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज बिजनेस डिसीजंस. लेट मी रब इट. ओके, नेक्स्ट वन इज बिजनेस डिसीजंस. एज इट शोज यू द वी कैन से बैलेंस between your demand and supply, it helps in determining your prices. Simultaneously, ये आपको क्या करेगा, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही superb decision आपके business के betterment के लिए लेने में help करेगा. The next one is useful to government means what? ये simultaneously क्या करेगा, हमारे government की भी हेल्प करेगा हर एक चीज को जानने के लिए. ओके, ये हमारी मदद करेगा हर एक चीज को जानने में, खोजने में या उसको तलाशने में. द नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. मतलब क्या, वही जैसे कि हम लोग मैंने आपको बताया एबीसी कंपनी लिमिटेड को प्रॉफिट हुआ है एंड 100 people are working workers. 100 people are working in it. So simultaneously, उन सभी लोगों का भी भला होगा. Okay, that's it for today. Thank you so much.